हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम ऐसा नंबर का स्क्वायर करेंगे जो 100 के पास रहता है। तो सबसे पहला है जिसका भी स्क्वायर करना है उसको 100 में से माइनस करना है, और दूसरा है माइनस करने पे जितना आएगा उसको यूनिट पे लिख देना है, और उसके बाद है थर्ड लास्ट जो नंबर का स्क्वायर करना रहेगा उसमें से माइनस करने पे जितना आएगा उसको माइनस करना है और उसको शुरू में लिख देना है। तो एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमें स्क्वायर करना है 97 का, तो 100 में से माइनस करना है। सबसे पहला 100 माइनस 97 तो कितना हुआ 3। अब सेकंड फर्स्ट हो गया हमारा, अब सेकंड क्या बोल रहे हैं 3 का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो यूनिट पे लिख देना है। अगर दो नंबर आ रहा है तो हमें यूनिट पे लिख देना है जो भी नंबर आ रहा है, लेकिन एक नंबर आ रहा है तो हमें शुरू में जीरो लगाना है, तो शुरू में हम जीरो लगा देते हैं, तो 09 हो गया। उसके बाद थर्ड क्या बोल रहे हैं, सेकंड वाला हो गया। अब थर्ड बोल रहे हैं नंबर माइनस, तो हमारा नंबर क्या था 97, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 97 माइनस, माइनस करने पे हमारा कितना आया था 3। 97 माइनस 3 तो कितना हुआ 94, तो यहाँ पे हम 94 लिख देंगे, तो हमारा आंसर हो गया 9409। तो अब दूसरा एक एग्जांपल से और समझते हैं। 99 का स्क्वायर करना है, तो 100 में से माइनस करते हैं तो हुआ 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, एक ही नंबर हुआ, तो 0 लगा देंगे शुरू में, दो नंबर हो गया। अब 99 में से मतलब 99 का कर देते तो 1 माइनस करेंगे तो 98 हो गया, तो 9801 हो गया आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट, 88 का स्क्वायर। तो 100 में से माइनस करेंगे 88 को, सॉरी, तो होगा 12। अब सेकंड बोल रहे हैं 12 का स्क्वायर करना है, देख सकते हैं सेकंड स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो गया, तो यूनिट का दो नंबर 44 होगा और एक जो है ये 1 कैरी हो जाएगा, तो 44 लिख दिया, 1 कैरी हो जाएगा। तो माइनस हम लोग का नंबर था 88, 88 में से हमें माइनस करना है 12, तो कितना होगा 76, और ये 1 कैरी था तो 77 44 हो गया आंसर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय गाइस।